माननीय नूर मोहम्मद कपूर थलवी फोरम दे दे रहे हैं तमाम और नूर मोहम्मद ऑडिटोरियम च मुनक्कद होने वाले आज दे इस पंजाबी सेमिनार जिहड़ा सी सलीमा जदूर ट्रस्ट दे साथ दे नाल से कर रहे हैं डॉक्टर हमीद मोहसन दी वालदा दा नाम सलीमा ते वालदा नाम जबू उन्होंने नाम ते बनया सलीमा जबू ट्रस्ट एदे विच साडी अज इह गलबात जिहड़ी हो रही है कि पंजाबी पढ़ाओ पंजाबी मकाओ ते कल वक्ती मकाओ जवान बाबा फरीद गंज शंकर अहमदुल्लाह है पंजाबी दे सब तो पहले शायर सब तो पहले अदीब जिन्होंने सानू दीन सिखाया अरबी तो फारसी च फारसी दे पंजाबी दे विच उन्होंने सानू सियाणा सिखाई उन्होंने जिहड़े श्लोक अज भी ना सिर्फ मुसलमानां लई बल्कि सिखां लई भी मुकद्दस कलाम दा दर्जा उन्होंने ग्रंथ साहिब दे विच शामिल है पूरा बाबा फरीद दा कलाम ते उन्हां तों बाद बाकी जिन्ने थे बुजुर्ग आए बाबा फुल्ले शाह सैयद वारिस शाह हजरत शाह हुसैन हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ते मौलवी गुलाम रसूल आलमपुरी ते उस तों बाद ख्वाजा गुलाम फरीदकोट मिठन आले ते जिन्ने बजुर्ग इत्थे आए उन्होंने सानू दीन सिखाया सानू दुनिया च रहना सिखाया सानू बुत परस्ती तों बचाया ते तौहीद परस्त बनाया ते जिहड़ी बोली ने सानू मुसलमान बनाया ते सानू जन्नत च पहुंचाया असीं उहनू क्यों नहीं बचा सकदे इत्थे दे फैसलाबाद जिहड़े शायर बाबा नूर मोहम्मद कपूर थलवी जी ने पंजाबी का झंडा चुकया पंजाबी के इनकलाबी शायर शायर मजदूर जिन्हों का नजम च बड़ा वड्डा मुकाम है दिलशाद चंद रहमतुल्लाह है अलामा साहिब चिश्ती रहमतुल्लाह है अलामा नादर जाजवी उस तो बाद अफसल अहसन रंधावा अहमद शहबाज खावर ये सारे लोग जिन्होंने पंजाबी का झंडा चुकया दिलशाद चंद साहब तो ये लोगों ने पंजाबी वास्ते सारी जिंदगी काम किया रशीद हादी ते उस तो बाद हाफिज मोहम्मद सैन हाफिज इन्हें का नाम लिया गया पुत्र वारसी डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार इकबाल शहदा ये सारे लोग पंजाबी वास्ते काम कर रहे हैं ते नवी नसल ये है चातम महबूब सरमद पंजाबी लिख रहे हैं बड़ी सोहनी लिख रहे हैं ते बहुत खूबसूरत अंदाज गुरफान नकवी साहब पंजाबी च कई किताबां मंदिर आम लह के आदि हैं ते असी फैसलाबाद पंजाबी का झंडा नीवा नहीं होण देंगे ते हमेशा पंजाबी लिए काम करते रहेंगे अलियास कुमन साहब के नाल उन्हां दी आवाज़ ते असी आखांगे मोढे नाल मोढा लावांगे पंजाबी साडी जान है पंजाबी साडी पहचान।